Nurturing excellence. So, hello students, good evening to all of you. Today we are taking, I am taking your second class of question series, and this question will be of your 2019 or your RMS previous year papers question of GK section. So let's start our class. In this class we will try 50 questions, okay, and we will complete our this series having 50 questions in a single lecture. Okay, so let's start our class of previous year questions. So the first question, we have completed 10 questions in our first lecture, and this is our second lecture from question 11th. So let's start 11th question. So the Rajiv Gandhi International Airport is situated at, the Rajiv Gandhi Airport kaun se city mein situated hai? So let me know, it is in Delhi, Indore, Hyderabad or Bengaluru. So Delhi mein bata deta hu main, Delhi mein hai aapka Indira Gandhi International Airport, okay, Indira Gandhi International Airport hai. So Delhi mein Rajiv Gandhi nahi hai. Indore mein hai Holkar, to Indore mein bhi Rajiv Gandhi nahi hai. Hyderabad mein hai kaun sa Rajiv, kaun sa hai Hyderabad mein? हैदराबाद में कौन सा है बताओ बताओ. हाँ, राजीव गांधी. कौन सा? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड दिस इज अवर आंसर सी ऑप्शन. बेंगलुरु में कौन सा है? बेंगलुरु में कौन सा है पता है? चलो बेंगलुरु का मुझे बताओगे कौन सा है कमेंट सेक्शन के अंदर, मुझे आप कमेंट में बताओगे बेंगलुरु में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. ओके, सो नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन हमने क्या किया, ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां से किया. अब हमने क्या किया है, क्या पता अब की बार इसमें से ही इन यही टॉपिक से और अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो देन क्या कर रहे हैं हम कि इसी टॉपिक का कुछ क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या पता यहीं से क्वेश्चन निकल जाए. तो देखो, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है बताया मैंने आपको, कहाँ? न्यू दिल्ली. ठीक है, देन छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ है? मुंबई. ठीक है, अब है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वीर सावरकर, तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पोर्ट ब्लेयर में. ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान में. ठीक है, पोर्ट ब्लेयर पे. देन जवाहर टनल, जो टनल है ना जवाहर टनल, वो कहाँ है? भी रिसेंटली न्यूज में भी थी, जवाहर टनल का है वो है जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगीबिल ब्रिज, तो बोगीबिल ब्रिज क्या है बताओ, इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज में थे ये दोनों. ठीक है, जवाहर टनल और बोगीबिल ब्रिज दोनों अभी रिसेंटली न्यूज में थे, दैट्स व्हाई दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस सेक्शन. ओके, एंड इंदिरा गांधी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज इन आवर कैपिटल ऑफ इंडिया. ओके, कैपिटल सिटी है इंडिया की, इसके अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. ओके, सो नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 12 इज, इट इज आल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वी आर इंट्रोड्यूसिंग यू ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आरएमएस. ओके, सो नाउ द 12th क्वेश्चन इज, फॉर हाउ मेनी डेज द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र वॉज फॉट, कुरुक्षेत्र की जो बैटल थी वो कितने दिनों तक लड़ी गई थी? कुरुक्षेत्र का पता होगा ना कौन लड़ा था कुरुक्षेत्र में, महाभारत को ही तो बोलते हैं कुरुक्षेत्र, महाभारत ही बोलते हैं ना कुरुक्षेत्र को. ठीक है, तो महाभारत और कुरुक्षेत्र बैटल जो हुई थी वो हुई थी कुरुक्षेत्र में. ठीक है, तो इसलिए उसको कुरुक्षेत्र बोलते हैं, बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र हुई थी, कौन सी थी? महाभारत हुई थी जो, तो इसको कितने दिन तक हुई थी, ये हुई थी 18 डेज तक. ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर. एंड नाउ इंपॉर्टेंट बैटल्स. ओके, इंपॉर्टेंट बैटल्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड बैटल ऑफ तेरान, पहली और सेकंड बैटल जो तेरान की थी वो किसके बीच में हुई थी, बहुत फेमस है, तो ये हुई थी मोहम्मद गोरी, ठीक है, एंड GHORA, ठीक है, एंड पृथ्वीराज चौहान. ठीक है, दोनों के दोनों युद्ध जो बैटल ऑफ तेरान के थे वो दोनों इन्हीं के बीच में लड़े गए थे, लड़े कब गए थे, 1191 में एक तो,
और एक 1192 में, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो देखो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का क्या है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वो किसके बीच में हुई थी, तो वो हुई थी बाबर एंड लोधी के बीच में, ठीक है। फिर बाद में आती है सेकंड बैटल, सेकंड बैटल हुई थी अकबर एंड हेमू के बीच में, ठीक है। फिर आती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी मराठा एंड अहमद शाह, मोहम्मद अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है, ओके। और देखो जो नेक्स्ट है, बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बुक्सर, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ वैंडी वॉश, तो ये आप तीनों मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये तीनों बैटल्स बताओगे इनका बारे में, कि कब हुई थी और किस किस के बीच लड़ी गई थी। तो देखो बाबर और लोधी के बीच में जो पानीपत की फर्स्ट लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1526, 1526 में, ठीक है। अकबर एंड हेमू के बीच जो हुई वो ही 1556 में, मराठा और जो अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई वो हुई थी 1761, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द सिटी इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया की मैनचेस्टर सिटी किसे कहते हैं, तो वो किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं बताओ। विच सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो वो है अहमदाबाद, ठीक है। कहाँ है अहमदाबाद, अहमदाबाद है हमारे गुजरात में, ठीक है। इसको मैनचेस्टर इंडिया बोलते हैं, मैनचेस्टर सिटी बोलते हैं इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो इसमें क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। अब पेरिस ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, पेरिस ऑफ इंडिया है जयपुर, जयपुर को और क्या बोलते हैं, पिंक सिटी, ठीक है। और सिटी ऑफ पैलेसेस भी कौन सी है, हमारी जयपुर ही है, ठीक है। जो कहाँ है बताया आपको दोनों, जी सॉरी, ये जयपुर कहाँ है, तो ये है हम राजस्थान में, ठीक है। देन आता है इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक कैपिटल कौन सा है, तो वो है मुंबई, मुंबई कैपिटल का एक ही है, मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, आईटी मतलब टेक्नोलॉजी की जो कैपिटल है वो कौन सी है, तो वो है बैंगलोर, ठीक है। बैंगलोर है जो, बैंगलोर है क्या, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। और बैंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूती चंद, जो दूती चंद है वो कौन से गेम से, विच स्पोर्ट से, कौन से गेम से रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है हमारे एथलेटिक्स से, ठीक है, तो एथलेटिक्स से रिलेटेड है। अब देखो नेक्स्ट, अब कुछ अपन फीमेल्स जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके नाम एक बार देख लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट उनका भी देख लेते हैं। तो मिताली राज, तो मिताली राज कौन थी, इंडियन क्रिकेट कैप्टन थी, ठीक है। और लवलीना, तो ये क्रिकेट से थी, लवलीना बोरगोहेन कौन से गेम से है, लवलीना कौन से गेम से है बताओ, तो लवलीना है बॉक्सिंग से, ओलंपिक में मेडल जीता है ना लवलीना बोरगोहेन ने। फिर आता है अवनी लेखरा, तो ये है शूटिंग से, इन्होंने क्या किया, दो गोल्ड जीते हैं, है ना। फिर आता है मीराबाई चानू, मीराबाई चानू ने भी क्या जीता है, ओलंपिक के अंदर मेडल जीता है, पता है ना, मीराबाई चानू ने भी क्या जीता है, मेडल जीता है। और मीराबाई चानू कौन से गेम से है, तो वो है वेट लिफ्टिंग से, ठीक है। देना गीता फोगाट, गीता फोगाट कौन सी से है, सॉरी रेसलिंग से, रेसलिंग से। देखिए ना वो मूवी, आमिर खान की मूवी है, जिसके अंदर क्या होता है, गीता फोगाट और बबीता फोगाट रहती है बच्चे, देन वो रेसलिंग करते हैं, छोटे से बड़ा तक रहता है उनको, बायोग्राफी है जो, हाँ कौन सी है, दंगल, दंगल
गीता फोगाट पे कौन सी मूवी बनी हुई है? दंगल। देन है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु कौन से स्पोर्ट्स से हैं? इनका तो आपको पता होगा ही, ये है बैडमिंटन से। ठीक है, सॉरी। अब देखो किदाम्बी श्रीकांत, श्रीकांत कौन सी गेम से हैं? ये भी है हमारे बैडमिंटन से, मेल प्लेयर है। इधर कौन से थे? इधर थी हमारी फीमेल्स। ठीक है, इधर है हमारे मेल। ठीक है, तो बाइचुंग भूटिया, बाइचुंग भूटिया कौन से गेम से है? तो वो है फुटबॉल से। फिर आता है सुनील छेत्री जी, तो सुनील छेत्री कौन से गेम से है? फुटबॉल से है। अभी क्या है, ये हमारी इंडिया टीम के कैप्टन है ना? और इनको क्या हुआ है अभी, इनको जो फेडरेशन है, सॉरी फीफा जो है, फीफा ने क्या है किया इनको, फीफा ने इनको पोजीशन दी है, इनका ट्वीट किया है और इनको थर्ड पोजीशन पे बताया है। ठीक है, थर्ड हाईएस्ट गोलर। ठीक है, ये बताया, इनको बताया गया है ना फीफा, फीफा ने क्या ट्वीट करके फोटो डाली है इनके भी। देन आता है अभिनव बिंद्रा जी, तो अभिनव बिंद्रा जी कौन सी गेम से हैं? तो वो है हमारे शूटिंग से। देन अनिल कुंबले जी, अनिल कुंबले है कहाँ से? क्रिकेट से, ऑलराउंडर थे अनिल कुंबले। देन विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद कौन सी गेम से हैं? विश्वनाथ आनंद है चेस से। तो अब मुझे आप बता दो, तुमने स्पोर्ट्स का किया है, स्पोर्ट्स के अंदर जो स्पोर्ट्समैन को, स्पोर्ट्स पर्सन को जो सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है इंडिया में, इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, जो स्पोर्ट्स पर्सन को मिला है स्पोर्ट्स अवार्ड, वो कौन सा अवार्ड है? तो वो है हमारा मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है, अब इसको नया नाम है ये मेजर ध्यानचंद, इसके प्रीवियस नाम क्या है? इसको प्रीवियस क्या बोलते थे? प्रीवियस बोलते थे राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, और सबसे पहले जो ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड था खेल रत्न, ये किसे मिला था? तो ये मिला था विश्वनाथ आनंद जी को। विश्वनाथ आनंद जी, आपको बता दूं, ये चेस प्लेयर है फिर से, और विश्वनाथ आनंद जी ने कई बार ये क्या रह चुके हैं, मास्टर भी रह चुके हैं गेम के अंदर। ठीक है, ओके, चले आगे। मास्टर का मतलब है मेरा विश्वनाथ आनंद जी ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं बहुत बार चेस के अंदर। ग्रैंड मास्टर होता है ना चेस में, तो ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं बहुत बार चेस के अंदर। ठीक है, और जो क्या मिला था, पहली बार खेल रत्न अवार्ड मिला था इंडिया में। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्क स्ट्रेट लाइज बिटवीन, पार्क स्ट्रेट किस किस के बीच में है? तो पार्क स्ट्रेट है गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल के बीच में। ठीक है, अब पार्क स्ट्रेट देखो, ये पार्क स्ट्रेट दिखाई रहा है ना, पार्क स्ट्रेट, ये जो पार्क स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, ये क्या है? पार्क स्ट्रेट है, और गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल के बीच में ही है ये। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ हो गई? यहाँ तो हो गई गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, और ये आ गया बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहां से क्या निकल रही है? पार्क स्ट्रेट। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेट्स है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ तो इंडिया और पाकिस्तान के, ये सॉरी इंडिया और जो श्रीलंका है हमारा, इसके बीच में कौन सी स्ट्रेट आपको लोकेट होगी? तो वो होगी आपको पाक स्ट्रेट। ठीक है, और गल्फ ऑफ मन्नार आपको लोकेट होगा यहाँ पे। ठीक है, देन चलते हैं मलक्का स्ट्रेट, तो मलक्का स्ट्रेट कौन से कहाँ मिलेगी बताओ? तो मलक्का स्ट्रेट आपको मिलेगी एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ठीक है, आपको लोकेशन बता दूंगा अभी कि कौन से ओशियन के अंदर होती है ये। अब बेरिंग स्ट्रेट,
हॉर्मुज स्ट्रेट और जिब्राल्टर स्ट्रेट, आपको मैं ये चारों बता देता हूं, ठीक है? तो देखो, अब जो ये अलास्का है, पता है ना, ये अलास्का है, जो ये अलास्का है, अलास्का का जो ये वाला है, ये कौन सा स्ट्रेट है? यहां पे है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है? कई बार आपको ये स्ट्रेट इधर भी दिखा देता है, बिकॉज ये जब लोग दोनों एक ही तो है, ये जो पॉइंट हो रहे हैं ये यहीं पे तो आएगा ना, इस साइड में, बिकॉज अवर अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप, स्पेरिकल है, और अपन ने पेज पे लिया हुआ है अभी ये, ठीक है, लैंडस्केप में, दैट्स व्हाई वी आर सीइंग कि अपना ये और ये पोर्शन सेम है, अपन ने काटा हुआ है इसको, एक मैप को, एक अपने वर्ल्ड ग्लोब को, ठीक है? तो ये कई बार जो हमारा ये जो बेरिंग स्ट्रेट है, कई बार इस साइड में भी शो करता है, ठीक है? अब देखो, अब है बेरिंग स्ट्रेट हो गया, तो अब ले लेते हैं हम पनामा। तो पनामा किधर है? पनामा है ये, ठीक है? तो पनामा कैनाल बोलते हैं ना, या फिर पनामा स्ट्रेट भी बोलते हैं। तो वो कहाँ है? वो आपको मिलेगी यहाँ, जो कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, और किसको कनेक्ट कर रही है? ये कनेक्ट कर रही है हमारी पैसिफिक ओशन को और एटलांटिक ओशन को, छोटी सी जो पास्ट। अब देखो स्ट्रेट क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेट? स्ट्रेट क्या होता है ना, कि जो बड़ा लैंडमार्क, बड़ा मास होता है ना, अ स्मॉल वाटर बॉडी दैट कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज इज कॉल्ड स्ट्रेट, ठीक है? देखो एटलांटिक ओशन बड़ी बॉडी हो गई एक वाटर की, एक पैसिफिक ओशन बड़ी बॉडी हो गई, ये कनाल जो स्ट्रेट है ना, यहाँ से पनामा, कौन सा, पनामा स्ट्रेट, ये एक छोटा सा कनाल टाइप में स्ट्रेट है, तो ये क्या छोटे से वाटर बॉडी जो क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है एटलांटिक और पैसिफिक ओशन को, ठीक है? अब आता है हमारा यहाँ पे अफ्रीका और यूरोप के बिल्कुल बीच में, तो जो एटलांटिक ओशन को कनेक्ट कर रही है इधर से, ठीक है? ये कौन सा है? तो ये है हमारी, कौन सा बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा जिब्राल्टर, ठीक है? जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है, यहां पे, ठीक है? अब देखो ये कौन सी है और ये कौन सी है, तो ये कौन सी है बताओ, ये है हमारी जो कहाँ, ये एशिया है, आप एशिया के पास में, एशिया में तो है ये, तो ये कनेक्ट कर रही है, जो ये कौन सी है, ये है होर्मुज, ठीक है? एक है यहाँ, ठीक है, और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, मैंने बताया था ना, कोई एशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी इधर यहाँ पे पड़ती है, और एशिया इधर, ये ऑस्ट्रेलिया है, और कनेक्ट आई को कर रही है पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को, ये कौन सी स्ट्रेट है? तो ये है मलक्का स्ट्रेट, ठीक है? चले आगे, तो आगे चलते हैं। तो देखो, विच स्ट्रेट सेपरेट्स यूरोप एंड अफ्रीका? अभी हमने पढ़ा यूरोप और अफ्रीका को, कौन सा जो स्ट्रेट है वो सेपरेट कर रहा है, तो वो कर रहा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ऑप्शन आ जाएगा बी, देख लो एक बार आप फिर से, ये देखो ये हमारा यूरोप आ गया, ये हमारा अफ्रीका आ गया, और कौन सी जो यहां से कौन सी जा रही है, ये जिब्राल्टर स्ट्रेट, ये क्या कर रही है इन दोनों को, क्या कर रही है इन दोनों को, सेपरेट कर रही है, ठीक है? अब लो अगला क्वेश्चन, तो व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस के जो मेन कॉम्पोनेंट है जिससे बनी हुई है बायोगैस मेनली, वो कौन सी किससे बनी हुई है, मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मिथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, CO2, तो मेन कंपोनेंट मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी, तो सीएनजी का क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है,
बताओ सीएनजी के कॉन्स्टिट्यूएंट है मिथेन गैस, ठीक है। अब एलपीजी की बताओ, तो एलपीजी की है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ठीक है। वाटर जो गैस के अंदर होता है ना, सॉरी जो वो गैस जो वाटर सोडा वाटर में होती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो CO2, ठीक है। अब लाफिंग गैस, जो लाफिंग गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, तो वो होती है हमारी नाइट्रियस गैस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको याद कर लेना, ठीक है। और इनको नोट डाउन करो बुक के अंदर, जो एक सीरीज चल रही है हमारी, ये जो सीरीज है हमारे सीरीज ऑफ 50 क्वेश्चंस इन ईच टॉपिक और इन ईच लेक्चर, इससे क्वेश्चन पक्का, आई विल गिव यू 100% श्योरिटी यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इनको अच्छे से देखो, इनको अच्छे से नोट डाउन करो। तो टीयर गैस कहाँ से बनती है, तो टीयर गैस किससे बनती है बताओ, तो टीयर गैस का मेन कंपोनेंट है सल्फर डाइ ऑक्साइड, ठीक है। अब बताओ वो गैस, सॉरी यहाँ पे वाटर नहीं, गैस वॉट्स वेट्स नहीं आएगा, यहाँ आएगा वाटर, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो गैस यूज्ड फॉर क्लीनिंग वाटर, तो वो कौन सी है, क्लोरीन। क्लोरीन यूज में आती है ना वाटर को, वाटर को साफ करने के लिए, क्लींजिंग एजेंट ऑफ वाटर, कौन सी होती है, क्लोरीन, ठीक है। चलते हैं आगे, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम सन टू द मून टेक्स प्लेस बाय, जो ट्रांसफर होता है हीट एनर्जी का सन से मून तक, वो कैसे होता है, वो होता है रेडिएशन से, ठीक है। अब रेडिएशन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, और कन्वेक्शन क्या होता है, बता देना, कौन बताएगा, चलो बताओ, ठीक है। आप मुझे इन तीनों का बताओगे काय में, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं आपको जो कमेंट सेक्शन का जो होमवर्क दे रहा हूँ ना, ये प्लीज कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेडिएशन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखो कन्वेक्शन आपको बता देता हूँ, कन्वेक्शन क्या होता है ना कि हम पानी को जब गर्म करते हैं, तो पानी इस मान लो ये पानी गर्म हो रहा है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब पानी गर्म होता है तो क्या होता है ना कि यहाँ से बुलबुले निकलते हैं, ठीक है। ये स्टोव पे है, ठीक है, यहाँ से गैस निकल रही है जो गैस स्टोव है, और क्या है ये वाटर गर्म हो रहा है, तो जो ये मॉलिक्यूल है ना, ये गर्म होने के बाद में क्या होगा, ये ट्रांसफर नहीं होगा, ये सीधा खुद ही उठेगा और उठ के ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाले को ये नीचे अपने आप आ जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब कंडक्शन क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर करता है, जैसे मान लो ये रॉड है, ये रॉड को यहां से मैंने क्या कर दिया, गरम कर दिया, ठीक है। तो यहां से मॉलिक्यूल, यहां से एटम्स हैं, ये गरम हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, अपनी एनर्जी आगे पास करेंगे, तो क्या ये गरम होते जाएंगे, जब ये पूरा भर जाएगा इसका पेट, तो ये आगे पास कर देगा, फिर आगे पास करेगा, फिर आगे पास करेगा, तो फिर ये क्या होगी, जो ये पूरी ही ये जो है ना रॉड, ये पूरी रॉड क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, इसमें पूरी में क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। तो चले आगे, देखो आगे, अब रेडिएशन तो मुझे आप बताओगे, रेडिएशन बताओगे आप, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, हु रोट डाउन द एपिक महाभारत, हु रोट डाउन द एपिक महाभारत व्हाइल व्यास वाज नरेटिंग, जब महामुनि व्यास जब महाभारत नरेट कर रहे थे, तो उनको उसको लिखा किसने था, उसको लिखा किसने था, गणेश जी ने, ठीक है, लॉर्ड गणेश ने वो एपिक महाभारत लिखी थी, ठीक है। तो सी आएगा आंसर। अब देखो हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखी, रामायण लिखी वाल्मीकि ने, वाल्मीकि जी ने। अब हु ट्रांसलेट द रामायण फ्रॉम संस्कृत टू हिंदी, किसने किया, वो किया तुलसी दास ने, ठीक है। अब बताओ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक कौन सी है, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक है हमारी महाभारत, ठीक है, महाभारत इज आवर लार्जेस्ट एपिक। अब हु रोट द पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, तो वो लिखी चंद बरदाई ने, ठीक है। ये कौन थे, कोई
कोर्ट पोइट थे पृथ्वीराज चौहान के, जिन्होंने क्या लिखा, पृथ्वीराज रासो के ऊपर बायोग्राफी, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, चंद्र बरदाई ने लिखी। हु रोट द इंडिका बुक, इंडिका किसने लिखी, वो लिखी मैगस्थनीज ने, ठीक है। अब बताओ हु रोट अभिज्ञान शकुंतलम, यहाँ क्या आएगा अभिज्ञान शकुंतलम, तो वो लिखी कालिदास ने, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, नेम द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट पूछा है इसमें, प्रीवियस ईयर देख लो। अपन क्या याद कर लेते हैं, अपन याद कर लेते हैं कि लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है, अपन तो यही याद कर लेते हैं। और क्वेश्चन क्या आ गया आरएमएस में कि सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, बताओ सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, तो वो है हमारा एटलांटिक ओशन, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो ये है पैसिफिक ओशन, स्मॉलेस्ट है आर्कटिक ओशन, ठीक है, समझ में आ गई। ओके अब देखो इसी में अपन पढ़ लेते हैं कि कॉन्टिनेंट्स, तो कॉन्टिनेंट्स देखो यहाँ है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका, यहाँ अफ्रीका, यूरोप, ये एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, देन ऑस्ट्रेलिया, और नीचे क्या आंसर आ गया, अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका सबसे नीचे है, देन ऑस्ट्रेलियन ओशियन, देन एशिया सबसे बड़ा है, इंडिया, यहाँ इंडिया भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, ठीक है, देन यूरोपियन कंट्रीज आ गई, यहाँ यूरोप है, देन अफ्रीका आ गया, देन साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ओके सो डोंट फॉरगेट, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फ्रॉम डिस्क्लेमर, फ्रॉम वेयर यू विल गेट फ्री टेस्ट सीरीज। ओके आपको वहां मिलेगी टेस्ट सीरीज, मिलेगी फ्री में, दैट विल बी श्योरली आई कैन गारंटी यू 100% इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो गो इन आवर डिस्क्रिप्शन एंड चेक आवर टेस्ट सीरीज लिंक एंड get a good rank in our test series. Okay, so thank you for watching. Don't forget to like and subscribe our channel. Jai Hind. Sainik School and Military Schools offline and online courses are available at minimal cost. Jai Hind.